Moving forward, ladies and gentlemen, we believe for the closing remarks, I would be just inviting a gentleman who has been a philanthropist and a motivational speaker with a lot of charisma that he has. And when you talk about the APSIP, the journey started up from Professor Dr. Chaudhry Abdul Rahman, and then the person who came up there, and he believed in that vision. Mr. Abhayasro, please come on the stage for the closing remarks. Pakistan. Rahman Rahim, Chairman High Education Commission, Dr. Mukhtar Sahab, Mustafa Bhai, welcome to Lahore. Thank you very much. Chairman APSIP Pakistan, Chaudhry Abdul Rahman, मेरे भाई, more than a brother, इमरान मसूद साहब, डॉक्टर सुमेरा, foreign distinguished delegates, friends from Turkey and Iran, students, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. आज का दिन बहुत स्पेशल है इस वजह से मुस्तफा भाई ये आपने जो आज बातें की हैं ये ऐसे लग रहा था जैसे आप मुझे और चॉय साहब को पिछले कई सालों से देख रहे थे और आज आपने आके फाइनली अपने कल्मिनेटिंग रिमार्क्स दिए क्योंकि जिस दिन मैं सिर्फ दो मिनट एक छोटी सी हिस्ट्री बताऊंगा फिर उसके बाद आपको समझ आएगी व्हाई इट वाज टचिंग माय हार्ट बिकॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी सैट टुगेदर एंड वी डिसाइडेड टू क्रिएट द एसोसिएशन फॉर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज तो मीटिंग के बाद हम बहुत सारे वाइस चांसलर्स इकट्ठे हुए और सब ने फैसला किया कि नाउ वी शुड कम टुगेदर तो ख़त्म होने के बाद जब मिनट्स लिखने की बारी आई तो मैं और चॉइस साहब रह गए और हमारे साथ इमरान मसूद साहब थे और हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि इसका नाम क्या होगा इसका अगले साल आने का एजेंडा क्या होगा और हम इसे अचीव क्या करेंगे क्योंकि हम सारे कंपेटिटर्स थे और कई दिहाइयों से एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे और एक दूसरे की कमज़ोरियों की तलाश में रहते थे अब हमने एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स बनना था सो चेंज ऑफ माइंड और हार्ट हुआ एंड आई ऑनेस्टली बिलीव चॉइस साहब एंड माय फादर इज़ वेल हु वाज देन द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर स्पेशली दीज टू जेंटलमैन एंड इमरान मसूद साहब They came together and since that day, Allah has been so kind कि उसने हमें इज्जत भी दी है उसने रिस्क भी बढ़ाया है और वो जो खतरात थे दिल में जो परेशानियाँ थी कि इससे पता नहीं क्या होगा और सी पाकिस्तान उसकी एक एम्बॉडीमेंट है इस साल 157 यूनिवर्सिटीज़ आर पार्टिसिपेटिंग तो जब चॉइस साहब ने मुझे कहा कि आप भी हमारे साथ आ जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरे तो दिल में ओपननेस का इशू ही नहीं रहा था मुझे अपनी टीम को कन्विंस करने में साल लग गया क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक एनवायरनमेंट में एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं ना चाहते हुए भी कई दफ़ा कॉम्पिटिशन की फिज़ा बनती है आज इस दफ़ा हमारे साथ 150 यूनिवर्सिटीज़ हैं मैं उसमें स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगा सियालकोट यूनिवर्सिटी एप्सप की जानिब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो का इनेकाद चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के तावन से पाकिस्तानी नौजवानों को मुस्तकबिल के एंटरप्रेन्योर्स बनाने के अज़म का शानदार प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है जिसमें काबरीन ने खिताब किया चेयरमैन HEC मुख्तार अहमद ने खिताब किया रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने इसी पाकिस्तान 2024 से खिताब किया वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने अपने ख्याल का इजहार किया और सीनियर रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल का भी सी पाकिस्तान एक्सपो से खिताब था उन्होंने कहा कि चेयरमैन APSIP प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं जिस तरह से उन्होंने तालीमी मैदान में नौजवानों के लिए मौके फराहम किए उन्होंने कहा कि जब हमारी डायरेक्शन दुरुस्त हो जाती है तो हम दुनिया में तमाम कौमों को पीछे छोड़ देते हैं और अब हमारी डायरेक्शन दुरुस्त हो चुकी है उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान का हाल एक ख़राब बस की मानंद है जिसमें तमाम अफराद को धक्का देना होगा ताकि हमारा मुल्क जो है वो फिर तरक्की की राह पर गामजन हो सके और हम
अपना सर फख्र से बुलंद कर सकें। एपसेप की जानिब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो का इनेकाद हुआ। चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के तामुन से पाकिस्तानी नौजवानों को मुस्तकबिल का कोहेजन नेशनल स्ट्रेटजी सिर्फ पंजाब की यूनिवर्सिटियां नहीं, केपी की यूनिवर्सिटीज़ नहीं, सिंध की यूनिवर्सिटियां, हम सबको मिलके, और उसके लिए एक सेंट्रल प्लानिंग की ज़रूरत है। और मैं डॉक्टर मुख्तार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये अल्लाह ने सर आपको जो साल दिया है ना, गिव सो मच टू दिस कंट्री दैट वी रिमेंबर यू टिल द वेरी एंड। क्योंकि मैंने देखा है कि वो मौजे से कम नहीं था, तो इसका कोई मकसद है। और मेरे हिसाब में वो है कि प्लीज़ गिव अस लीडरशिप टू डिवाइज अ नेशनल स्ट्रेटजी दैट टेक्स दिस कंट्री फॉरवर्ड। आज अगर $3 बिलियन का गैप है जिस पे लड़ाई चल रही है, आप अगर लाख सवा लाख बच्चा बाहर भेज देते हैं अच्छी जॉब्स पे, वो $5 बिलियन अगले साल आपको रिमिटेंस ऊपर चली जाएगी। सिंपल मैथमेटिक्स। कोई IMF किसी और एक्सपोर्ट बढ़े ना बढ़े, लेकिन एक्सपोर्ट अगर बढ़ानी है तो 2.5 लाख IT ग्रेजुएट आज चाहिए सर। अगर आपने अच्छी जॉब्स पे लोगों को बाहर भेजना है, तो हमने एपसेप ने एक छोटी सी वर्किंग की है, अगर आप इजाज़त देंगे हम आपको देंगे। 8 प्रोफेशंस हैं जो इस वक्त मिलियंस की डिमांड है ग्लोबल, और पाकिस्तान जैसा मुल्क वो पूरी कर सकता है। सिर्फ 8 प्रोफेशंस हैं, जिसमें नर्सिंग ऑब्वियसली टॉप पर है, जिसके अंदर फार्मेसी है, फिजियोथेरेपी, एलाइड हेल्थ साइंसेज है, साथ वेटरनिटी के हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड्स हैं। ये सब एरियाज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हमसे भी ज़्यादा कर रहा है। तो अगर हम सब मिल बैठें और हम ये स्ट्रेटजी को डिवाइस करें और उसको फॉलो करें, अनदर 5-year प्लान। आपने सुना होगा एक 1960s का हमारा 5-year प्लान था, जिसको साउथ कोरिया ने इम्प्लीमेंट किया और आज वो कहाँ बैठे हैं। लेट्स पुट टुगेदर अनदर 5-year प्लान, प्रॉबेबली दैट विल चेंज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। मैं एट द एंड अपनी एपसेप की टीम को, डॉक्टर साहब आपकी लीडरशिप में बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन बच्चों ने 3 months पाकिस्तान का एक एक कोना विजिट किया, 110 cities, 110 cities में ये बच्चे गए हैं, और वहाँ से प्रोजेक्ट्स को उन्होंने इंटरव्यू किया, सिलेक्ट किया, उनकी बिडिंग हुई, अल्टीमेटली उनके अंदर ही से 100+ प्रोजेक्ट्स आज लाहौर आए हैं। दे आर वर्थ विजिटिंग। हमारी कोशिश होनी चाहिए उनको इन्वेस्टमेंट, इंशाल्लाह 700-800 थे, अगले साल ये 10,000 से ऊपर होंगे इंशाल्लाह। बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, ये हम सबको पता है, ये हमारे DNA का हिस्सा है, हमने इसको आगे कैसे लेके जाना है। आज भी आप दुनिया के टॉप बैंक्स के पास जाएं, वहाँ पे बैंकर्स में जो टॉप पे CFO बैठे होंगे, उसमें हर दूसरा तीसरा पाकिस्तानी है, हर दूसरा तीसरा टॉप डॉक्टर दुनिया में पाकिस्तानी है, बायोलॉजिस्ट पाकिस्तानी है। वो DNA हम में है, हमने उसको कितना हार्नेस किया है, दैट इज द क्वेश्चन। सो हम एज प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, ये जो आप जिन यूनिवर्सिटीज़ के नाम देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, सुपीरियर, ग्रीन इंटरनेशनल, हम सारी बेसिकली मिडिल अपर मिडिल क्लास को सर्व कर रही हैं, और हम सारे ओनर्स भी उसी बैकग्राउंड से आए हैं, हमें इसी मुल्क ने यहाँ पहुँचाया। हम पे ये फ़र्ज है कि हमें जो वसाइल हम इधर ही लगा के इनको फर्दर बिल्ड करें। मेरी रिक्वेस्ट होगी, चेयरमैन HEC हैं, हमारे मिनिस्टर पंजाब इज़ वेरी फोर्थ कमिंग सर, आपने दूसरे वाले मिनिस्टर्स भी देखे हुए हैं, तो ये तो एक अल्लाह की तरफ से इनाम मिल गया है। यंग, वेरी एनर्जेटिक, वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तो सर पंजाब की हद तक नहीं, पूरे पाकिस्तान की हद तक एक दफ़ा 5-year प्लान हमें दे जाएं, फ्यूचर लिबर का, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, और हमें आप थोड़ा सा खुला छोड़ दें। अपनी कंप्यूटिंग काउंसिल से पूछें, वो कहते हैं जी 2 लाख IT ग्रेजुएट चाहिए, एडमिशन कहते हैं 200 से ऊपर नहीं कर सकते, तो कैसे चलेगा। थोड़े से पॉजिटिव लोग लगा दें, और फिर प्राइवेट सेक्टर को देखिएगा आपके साथ है। मुझे बड़ी खुशी है कि पंजाब गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च कर रहा है कि अगर बच्चा गवर्नमेंट में पढ़ना चाहे या प्राइवेट सेक्टर में पढ़ना चाहे, उसकी फ़ीस गवर्नमेंट देगी। इससे प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो अदरवाइज अफोर्ड नहीं करते और गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं। हमारे पास फैसिलिटीज़ कम नहीं है, अब गवर्नमेंट सेक्टर से शायद बेहतर ही हों। तो इंशाल्लाह ये सारी स्ट्रेटजी मेकिंग, इसका अंदर मैं अगर आपको इतना बताऊं कि एपसेप का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हमने बड़ी पिछले 3-4 साल कन्वेसिंग की है। इस दफ़ा जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, PTI का इलेक्शन था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बननी थी या इलेक्शन में जा रहे थे, हमने सबके मैनिफेस्टोज में ये चीज़ें डलवाईं, और आज आप उसका इम्पैक्ट देखें, उनके मिनिस्टर वो बातें खुद से कर रहे हैं जो हम किया करते थे।
तो इस पे मैं चौधरी अब्दुल रहमान साहब को खास मुबारकबाद पेश करता हूँ। एपसेप के तमाम टीम मेंबर्स को, सी पाकिस्तान के टीम मेंबर्स को, इसमें तमाम कंट्रीब्यूटिंग यूनिवर्सिटीज़ को, और जिन बच्चों ने दिन रात एक कर दिया, और जो बच्चे जो प्रोजेक्ट्स आज सिलेक्ट होके लाहौर पहुंच गए हैं, सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और बिलीव करता हूं कि चौधरी साहब ने अभी एक बात की, ऐसे ही कर जाते हैं और वो साल दो साल बाद हो जाती है, तो मुझे वो डर लग गया। मैंने कहा अब इन्होंने दौड़ लगा, मुझे कहते सी पाकिस्तान विल बिकम एन इंटरनेशनल इवेंट विद इन टू ईयर्स, वी विल टेक आवर प्रोजेक्ट्स ग्लोबली। तो मैं इन्हें कह रहा था कि फिर वाई नॉट के जो हमारे 10 टॉप प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको सिलिकॉन वैली लेके जाएं और वहाँ बिडिंग कराएं। तो आप देखें, ये आपने सर सी पाकिस्तान को ग्लोबल ले जाने की बात कर दी, मैंने वो बात यहाँ पे छेड़ दी। अल्लाह हमें उसमें कामयाब करे और हमें सपोर्ट करे गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट हमारी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, हम मिल के इसको ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, बना चुके हैं और आगे और बनेगा कि इंशाल्लाह रिगार्डलेस ऑफ के बच्चा किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो आए यहाँ से बिड में आए, प्रोजेक्ट डिस्प्ले हो, उसके लिए फंडिंग अरेंज हो और इंशाल्लाह वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बन सके। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई आपका, आपकी खूबसूरत बातों का बहुत इंजॉय किया हमने, बड़ी इंस्पिरेशन मिली। अल्लाह आपको कामयाब करे, हम सबको कामयाब करे, क्योंकि बस ख़राब है और उससे उतरने का वक्त आ गया है, उस पर धक्का लगाने का वक्त भी आया है, यह हमें सबको अंदाज़ा है। तो इंशाल्लाह आप जैसे लोग होंगे, डॉक्टर मुख्तार जैसे लोग, ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए तोहफा हैं, मेरे लिए तो ख़ास तौर पे, मेरे उस्ताद हैं, तो मैं जो भी हूँ अगर बुरा भी हूँ ना तो इनकी वजह से हूँ, तो ये भाग नहीं सकते। 25 years ago he taught me in Islamabad, so an inspiration for me। अल्लाह आपको सब ज़िंदगी दे और अल्लाह आपको भी इंशाल्लाह ग्रेटनेस और ग्रेटनेस दे। अल्लाह ने दी, आउट ऑफ थाउजेंड ऑफ एकेडमिशियंस यू हैव लेड पाकिस्तानी हायर एजुकेशन द लॉन्गेस्ट, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। एनीवे बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमेरा, आपको बहुत मुबारकबाद हो, आपका जिक्र हमेशा चलेगा, ये 100 साल चलनी है सी पाकिस्तान, आपकी फ़ोटो लगी रहेगी इंशाल्लाह। दिस इज़ व्हाट एन अचीवमेंट इज़। थैंक यू वेरी मच सुपीरियर यूनिवर्सिटी की टीम को, ख़ास तौर पे जिन्होंने इसमें इतनी मेहनत की, और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, सियालकोट यूनिवर्सिटी, ग्रीन इंटरनेशनल हमारे मेन स्पॉन्सर्स, और बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि हमारे साथ 160 एक्सीलेंसीज, 160 यूनिवर्सिटीज़ हैव वर्क टुगेदर टू क्रिएट दिस इवेंट इन पाकिस्तान। आई टेल यू इट्स एन अचीवमेंट, दिस हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू।